तनाव मुक्त जीवन के लिए एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, मेरी बात माने तो नित्य प्राणायाम करें। प्राणायाम करने की विधि है, सुबह पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठिए, किवाड़ बंद कीजिए और खिड़कियां खोलिए, कहीं ना कहीं से प्रकाश आना चाहिए, ऑक्सीजन आनी चाहिए। सुबह आप पंखा हल्का चलने दीजिए, कूलर भी लगाया है तो उसको बंद कीजिए, आवाज ना आवे, एकदम बिल्कुल साइलेंट कमरा हो। नीचे दरी बिछा लीजिए, कुछ न कुछ उसके ऊपर बिछा के बैठे, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करें, आंखों से नाक के अगले भाग को देखते देखते धीमे धीमे नेत्रों को बंद कीजिए, आप खोलिए। प्राणायाम में यह पोजीशन है, श्वास ऊपर खींचेंगे ओम ओम के उच्चारण के साथ, तो अंदर रोकेंगे, फिर जो उंगली पहले लगाई थी उसको हटा के एक साइड का अंगूठे से दबा के उंगली हटा के धीमे धीमे उस श्वास को निकालेंगे। 16 बार ये क्रिया कीजिए, कम से कम 16 बार। ये मैं बहुत चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोमा में गए हुए लोग ठीक हो जाएंगे, टेंशन मुक्त हो जाएंगे, मेरे निवेदन पर ही करके देख लो, आपका मन कितना मजबूत हो जाएगा, दुख को आप दुख नहीं समझेंगे। जिस घर में डरावापन लग रहा है, जो घर खाने को दौड़ रहा है, वही घर तुम्हें जैसा लगेगा, आप करके तो देखिए। आप प्राणायाम करें नित्य, प्राणायाम में इतने आनंद है, मस्तिष्क को शीर्षासन बहुत ताकत देता है। वैसे आप ना कर पाए तो दीवाल के सहारे, गर्दन मत तोड़ लेना, दीवाल के सहारे दोनों टांग ऊपर, मस्तिष्क नीचे, मस्तिष्क के नीचे दोनों हाथ जरूर लगाएं, नहीं तो कहीं चोट ना पहुंच जाए। सीधे धरती पर माथे को ना रखें, मस्तिष्क या तो नीचे कुछ कपड़े की इंडी सी बना के, कपड़े की, उस पर मस्तिष्क रख करके दोनों पांव ऊपर कीजिएगा। कौन कहता है कि रक्तचाप बढ़ेगा, कौन कहता है ये घुटने घुटनों का दर्द होगा, कौन कहता है कि माथे में, मैं करता हूं ना ये डेली करता हूं, उसका प्रभाव मैंने देखा है, दर्द नहीं होता मस्तिष्क में। सबसे बड़ी है सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, शीर्षासन की इतनी बड़ी महिमा है। मैं स्नान से पहले करता हूं शीर्षासन, एकाध हल्का फुल्का आसन करने के तत्पश्चात देह में पसीना आता है तो उसको सुखाने के बाद ही नहाता हूं। वो शीर्षासन का प्रभाव हमने देखा है, मस्तिष्क तनाव मुक्त होता है, भजन में, बोलने में, बात करने में चिड़चिड़ापन नहीं रहता, आनंद होता है। लोगों को देख करके चिड़चिड़ापन नहीं, तो बहुत लोग लोगों को देख के ही चिड़चिड़ाते रहते हैं। हाँ, आप यहाँ इतने लोग आते हैं, इतनी खुशी होती है आपके आने पर, इतने लोग किसी की गृहस्थी में पहुंच जाए, घर में, घर छोड़ के भाग जाएगा वो, कलकत्ता पहुंचेगा और उससे भी आगे, रुकेगा ही नहीं, इतने लोगों को देख के वो हैरान हो जाएगा, इतने लोग हैं। लेकिन यहां तो खुशी होती है, माथे को खुराक मिली है, हर चीज को खुराक चाहिए। आप अपनी बॉडी को खुराक क्या दे रहे हैं, आप तो पेटा को देते हैं खुराक, 4 फुल्का खा लिए, लेकिन खुराक, आंखों को खुराक चाहिए, कानों को खुराक चाहिए, आत्मा को खुराक चाहिए, मस्तिष्क को भी खुराक चाहिए। सरसों का तेल डालते नहीं है, बहुत बड़े रईस लोग हो गए, शर्म लगेगी सरसों का तेल डालने में तो भुगतने, फिर बच्चे डालते नहीं है, नहीं डालते, कान में लकड़ियां कुरीदते रहेंगे, बहरे होते जा रहे हैं, अंधे होते जा रहे हैं, सबरी चीजें छोड़ दी हैं बिल्कुल। हफ्ते में 2 बार तो ये बाल लबालब होने चाहिए सरसों के तेल में, दर्द रहेगा मस्तिष्क में कभी हो ही नहीं सकता, आनंद होगी। मैं तनाव मुक्त बातें कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके घरों के डोर नहीं बदलने की बात कर रहा, ये डोर बिना बदले ही काम चल जाएगा, डोर दरवाजे ना बदलो, अपने आप को बदलो। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जिन घरों में आपको भूत और भूतड़ियां दिखती हैं, उन घरों में हमें महादेव की डुगडुगी बजती दिखती है, कन्हैया की बांसुरी बजती हुई, उसका ऐसा आवाज होता है उसका।